कोई अकेला कहाँ है कबाब ना पूरा घुसा था मुँह में। अच्छा हमारे यहाँ पर एक तालाब है उसमें मछलियाँ मारी जा रही है, बहुत मोटी मोटी मछलियाँ निकल रही हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं वहाँ पे चल के, फिर आगे आपको दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो? उम्मीद है दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आपकी दुआओं से भाई हम भी स्वस्थ हैं। देख लो आय करो, और इधर देख लो भाई दिव्यांशी की मम्मी भी खड़ी हैं। चलो तुम भी आय करो, गुड मॉर्निंग बोलो पहले, ऐसे नहीं गुड मॉर्निंग गाइज। देख लो दोस्तों ये कैसे कर रही हैं। और भाई दिव्यांशी तो है नहीं आज, क्योंकि दिव्यांशी तो स्कूल जा चुकी हैं, अब वो आएंगी लगभग 1 बजे के टाइम। तो चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं, और अभी हम दिव्यांशी के स्कूल में ही जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई इस पन्नी में डॉक्यूमेंट है, इनका निवास प्रमाण पत्र है दिव्यांशी का, और मेरा आय प्रमाण पत्र है, तो ये जमा करना है उनके स्कूल में। चलिए दोस्तों पहले जमा करके आते हैं, उसके बाद दिखाते हैं दोस्तों आपको। जाए और कछु हुए लाने बता दो, हम वहाँ बाजार चले जाए ना दोस्तों, हम उधर से मार्केट निकल जाएंगे, थोड़ा मार्केट में काम है और वो भी काम करे आएंगे, उसके बाद आएंगे घर पे दोस्तों। दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो भाई मैं दिव्यांशी के स्कूल में आ चुका हूँ। देख लो ये दिव्यांशी के स्कूल की बाउंड्री है, आप लोग देख सकते हो सामने गेट लगा हुआ है। चलिए पहले डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है हम जा रहे हैं जमा करने, तुम यही खड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, अरजीत को बाहर खड़े कर दे रहे हैं और हम जा रहे हैं अंदर। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई हम दिव्यांशी के स्कूल में डॉक्यूमेंट जमा करके, देख लो हम बाहर आ गए हैं, थोड़ा दूर आ गए हैं, हम मार्केट में जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो ये रोड बना हुआ है, देख लो, और मेरे पास में देखो ये जानवर बंदे हैं, हम एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी छाई है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। चलिए दोस्तों मार्केट में चल के आपको दिखाते हैं, चले। और दोस्तों मार्केट से वापस आके अभी दिव्यांशी को भी उठाना है स्कूल से, क्योंकि 1 बजे उनकी छुट्टी हो जाएगी, तो इसीलिए दोस्तों हमको बहुत जल्दी वापस होना है। मार्केट में आ गए हैं, देख लो मेरे पीछे। चलिए दोस्तों हम अपना सामान सट्टा ले लेते हैं, जो भी मुझे लेना है, जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं दोस्तों। और मार्केट से बाहर आ गए हैं, थोड़ा देख लो यहाँ पर एक मंदिर है, यहाँ पे रुके हैं हम, अपने घर पे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों यहाँ तो दोस्तों देख लो भाई हम दोबारा दिव्यांशी के स्कूल में आ चुके हैं। देख लो दिव्यांशी हमें बाहर ही खड़ी मिली थी, देख लो अरजीत उनका हाथ पकड़े हैं, क्योंकि जैसे ही हम आए वैसे ही छुट्टी हो गई थी। चलिए दोस्तों अब इनको घर पे लेके चलते हैं। चले दिव्यांशी, हाँ फोन किया था तभी मैं आ गया, चले अब ठीक है। और दोस्तों देख लो भाई दिव्यांशी को हम लोग घर पे लेके आ गए हैं, आप लोग देख सकते हो दिव्यांशी इधर बैठ गई है। यार देखो बस्ता कहाँ डाल दिया, ये उठा के रखो, ऐसे नहीं फेंकते हैं, सीधा करके रख दो, वहाँ टिका दो उधर दीवार से। दोस्तों देख लो भाई दिव्यांशी ये कागज का पुट्टा है, इसमें पानी भर रहे हैं, ये गल जाएगा। इधर आओ। क्या बनाओगी आज? आलू। कैसे आलू? दोस्तों ये काट के आलू बनाएंगे। और ये देख लो भाई अभी दोपहरी में पता नहीं इन्होंने क्या बनाया था चूल्हे पे, इसमें तो मतलब खे भरी हुई, आग लगी हुई है, क्या बनाया था? आलू उबाले थे दोस्तों इन्होंने खाने के लिए। चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं, जो खराब हुई है जो रबड़ जाके, देख लो दोस्तों दिव्यांशी की मम्मी दिव्यांशी की बोतल की रबड़ बंद कर रही है, ऐसे ही हुई बंद। चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं। क्या क्या पढ़ा था आज? हाँ दिखाओ क्या क्या पढ़ा था। देख लो दोस्तों भाई दिव्यांशी दिखा रही है अपने बैग से, देख लो कॉपी निकालने वाली है ये। हाँ दिखाओ क्या क्या पढ़ा था। तुमने मुझे देखा था स्कूल में अपने? हाँ हम वही थे। हाँ वीडियो बना रहे थे हम कमरे में बैठ के दोस्तों। करियो कहा दुखा दो पाँव पाँव का चोट लगी। अच्छा बिछिया को बदल दो। अच्छा देख लो दोस्तों आज इन्होंने ये काम किया था, देख सकते हो आप लोग, बस गोला बने हैं, 0-0 आप लोग देख सकते हो। आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, कल भी करोगे? अच्छा हाँ। अच्छा फ्रेंड है, तुम अपने फ्रेंड से हाय करवाओ, हाय पहले जाओ, पकड़ लो पकड़ जल्दी पकड़, भाग रही
दोस्तों देख लो भाई, वो लड़की आई थी भाग गई है। केला लाए थे इन्होंने, अकेले अकेले खा लिए, हमसे पूछा भी नहीं खाओगे कि नहीं खाओगे। क्यों नहीं पूछा? देख रहे हम कह रहे हैं तब कह रही है ले आओ जाके। और क्या लाए? देख सकते हो हाथ में लड्डू भी हैं और केला भी हैं। ऐसे 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 कहाँ चल रही है? ऐसे ऐसे यार आराम में ना चल पाती क्यों? ऐसे ऐसे कहाँ चल रही हो? ऐसे ऐसे कहाँ चल रही है बताओ? अरे बाबू देख गुलगुला, अरे हटा हटा हाथ निकाल ना बक न कोई लो केला कहाँ है कबा बना देख लो दोस्तों क्या कह रही हैं। देख लो भाई अरजीत भी आ चुके हैं। होया करेटा कहाँ करने गए? अच्छा बांकला बेचने गए दोस्तों। बांकला की दाल होती है ना वो लोग खाते ही नहीं हमारे घर पे, तो इसीलिए उसको बेचने गए थे ये। और देख लो भाई दिव्यांशी की मम्मी अकेले अकेले लड्डू खाए जा रही हैं। केला तो हमको खिला दिया, लड्डू अकेले अकेले अपने आप खाए जा रही हैं। देख सकते हो इधर बैठी हैं, देख लो अकेले, देखो वो डुका लिए लड्डू, देख लो दोस्तों वो पीछे डुका लिए। हाँ डुका ले सही है, डुका ले बताओ ना। केला दोस्तों कह रही है केला खिला दो, केला ज़्यादा अच्छा लगता है। लड्डू खाओ गोल गोल, केला मत खाओ। दोस्तों देख लो भाई इन्हें केले ज़्यादा पसंद है, तुम खाओ हाँ करो ना ऐसे ऐसे खोलो ना। दोस्तों दिव्यांशी कह रही है ये खिला दो खाओ। आकरो। तो दोस्तों देख सकते हो भाई हम लड्डू खा रहे हैं, इधर दिव्यांशी की मम्मी भी खा रही हैं, और इधर देख लो भाई अरजीत केला खा रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे आपको दिखाते हैं। ठंडो पानी कहाँ से लाएं? नल से लाएं। कौन नल से लाएं? बाहर। अच्छा बाहर वाले नल से लाएं दोस्तों। ले पी ले तुम। अरे ले दौड़ो पी ले। दोस्तों चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ पर एक तालाब है, उसमें मछलियाँ मारी जा रही हैं, बहुत मोटी मोटी मछलियाँ निकल रही हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं वहाँ पे चल के, फिर आगे आपको दिखाते हैं। और देख लो भाई दिव्यांशी की मम्मी इधर डकार रही हैं, ऐसे ऐसे कर रही हैं। हम जा रहे हैं तब तक तो खाना पीना बनाओ ठीक है। दिव्यांशी देख लो ये कह रही है हम भी चलेंगे दोस्तों। तुम यहीं रहो, तुम चलो धूप है वहाँ बहुत। स्कूल जाना पड़ेगा कल तो ले चलूँगा। हाँ देख लो स्कूल के नाम से बहुत बहुत डर जाती है ये। दोस्तों अभी मेरे पास सुनने के लिए आया था कि वहाँ पे मछलियाँ मारी जा रही हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कितनी मोटी मोटी मारी जा रही हैं, दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो भाई हम यहाँ पर आ चुके हैं। देख लो ये पुलिया है, इधर देख लो भाई दिव्यांशी पुलिया पे खड़ी है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बैठ जाओ उसके ऊपर, मगर पीछे को मत गिर जाना। देख लो दोस्तों अरजीत हाथ पकड़े हैं यहाँ पे, देख लो एक पाकड़ का पेड़ भी खड़ा है, कितना अच्छा पेड़ है। और ये रोड गया हुआ है, आगे यहाँ से चले जाओगे लगभग 5 किलोमीटर आगे तो वहाँ पे आपको गंगा जी भी मिल जाएंगे। इधर देख लो दोस्तों ये तालाब है, मैं तो समझा यहाँ पे मारी जा रही होंगी मछलियाँ, मगर यहाँ पे नहीं मारी जा रही हैं। आगे एक और तालाब है वहाँ पे मारी जा रही हैं। चलिए दोस्तों दिखाते हैं भाई ये तालाब कितना गहरा है। इधर देख लो भाई कुछ लोग अपने जानवर भी चुंगा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो भाई भैंसियाँ चुंग रही हैं। चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको भाई तालाब में कितना पानी है। देख लो ये गिर जाएगी उधर, इधर इधर हटा, इधर हटा, इधर हटा किनारे। दोस्तों देख सकते हो भाई ये तालाब है, हमारे यहाँ बाढ़ आ जाती है और इसी बाढ़ से ये पूरी की पूरी रोड कट गई थी, उससे ये पानी ने काट दिया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ से पूरा रोड कट गया था, वो जो पुलिया बनी है बाद में ये पुलिया बनाई गई है। देख लो दोस्तों इस तालाब का पानी कभी सूखता नहीं है, क्योंकि इसका नीचे ज़मीन से कनेक्शन हो गया है, नीचे ज़मीन से पानी चूता है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं। क्या कह रही हो? पापा मेरा तालाब में फोटो खींच दे। अच्छा तुम्हारा फोटो खींच दें, चलिए दोस्तों पहले इनका एक फ़ोटो खींचते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलो वहाँ पे खड़ी हो पहले। दोस्तों देख सकते हो भाई दिव्यांशी तैयार हो गई है फ़ोटो खिंचाने के लिए, इधर देख लो अरजीत भी बैठ गया खिंचाने के लिए। चलिए भाई इनका फ़ोटो खींचते हैं, तैयार हो रेडी हो? खींचें? ठीक है। तो दोस्तों दिव्यांशी का फोटो खींच चुका है, देख लो यहाँ से भाग के वहाँ पहुँच गए। तुम पकड़ के बैठो ना इन्हें, गिरिए पकड़ के बैठो पकड़ के। तुम्हें अकेले अच्छा लगता है क्या? अगर गई पीछे गिर गई तो पीछे देखो कितना गड्ढा है, देखो 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 है गड्ढा, देखो दोस्तों देख सकते हो भाई पुलिया के नीचे कितना बड़ा गड्ढा है। और दिव्यांशी इसके ऊपर अकेले बैठना चाहती हैं, अकेले मत बैठो गिर जाओगी। अब क्या करें, चलें घर पे? नहीं मछलियाँ यहाँ नहीं मारी जा रही, आगे मारी जा रही हैं।
आगे नहीं, आगे चलेंगे रात हो जाएगी। चलो तो पहले। अच्छा ठीक है, चलो दिव्यांशु अब घर पे चलते हैं। नहीं, नहीं, नहीं। क्यों? मन नहीं, मन करना दोस्तों। देख लो भाई, हम लोग घर पे आ गए। देख लो दिव्यांशु की मम्मी तब तक खाना बनाने लगी है, और दिव्यांशु देखो अपनी मम्मी के पास पहुंच गई भाग के। चलिए आपको दिखाते हैं भाई। और देख लो दोस्तों, दिव्यांशु ने वहाँ पे एक रास्ते में दुकान पड़ी थी, तो इन्होंने भाई पेप्सी भी ली, बोली कि मुझे पेप्सी दिलाओ तभी आगे बढ़ने देंगे, नहीं तो हम आगे नहीं जाएंगे। ये तो भाई रुक गई वहाँ पे। ये देख लो, ये वाली पेप्सी खरीदी इन्होंने। चलिए दोस्तों, और इधर देख लो भाई, दिव्यांशु की मम्मी क्या कर रही हैं। इन्होंने कढ़ाई में मसाला डाल दिया, तेल डाल दिया, उसको फ्राई कर रही हैं। तो कहाँ बना रही होगी दोस्तों? ये अरिजीत कुछ खुलवा ले, अरिजीत इनकी बोतल खोल दिया, खोल दे आराम से। और देख लो भाई, दिव्यांशु की मम्मी ने ये आलू अकोर लिए हैं, ये देख लो पतले आलू बनाएंगी। और देख लो ये बैठी हुई हैं, और ये देख लो मसाला को फ्राई कर रही है। हाँ डाल दे। देख लो दोस्तों, ये भाई डाल रही है पतले आलू बनाने के लिए। भाई ये जो आलू उबाले थे भाई दोपहरी में, कान ने मा धुआं नहीं करियो, बहुत धुआं निकलो। अपनी मम्मियों ने चकाया बजा, लेख तुम चक लिया ले। देखा 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 चक ली। हाँ देख लो दोस्तों, इन्होंने भी चक ली। दोस्तों देख लो भाई, हमारे लिए पतले आलू बन रहा है कि अपने आलू बन रहा है, हमारा यही नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा अभी पानी लगेगा, ये तो हमें लग रहा है अच्छे होंगे खाने लायक। देख लो दोस्तों, अभी इसमें पानी भी डाला जाएगा। चलिए पहले मिक्स कर दें अच्छे से, नीचे लग रहे हैं ये पानी, जल्दी डाल दे। हाँ डाले पानी, पी लो पी लो पी लो, मिला दे, खत्म हो गई। ठीक है ठीक है, बोतल उधर फेंक दो। अरे धनिया मंगा लें, 5 रुपये रखे हुए हमारी जेब में दोस्तों। अरे धनिया खत्म हो गए हैं भाई, अभी मंगाना पड़ेंगे बनने में। दिव्यांशु तुम रान दो करैया लुढ़की है नीचे, छोड़ो तुम रान दे, जहाँ पे ले ना जहाँ पे लुढ़का दिए नीचे। अरे रहने दे, ये हटा देखे इसमें क्या। दोस्तों देख लो भाई, इन्होंने आटा भी मार लिया है। देख लो रोटी बनाने के लिए, हटाना बाबू पटा, तुम भी रोटी बना देना। देख लो ये, देख लो दोस्तों, हम गए थे भाई तालाब देखने के लिए, तब तक इन्होंने इतना सारा काम कर लिया। देख लो चूल्हे मांगी ना रही है, कंडा बढ़ा दो कंडा, ये पड़े जल्दी धीरे धीरे ना, तेज कर दो जल्दी बनिया। देख लो भाई, हमारी दिव्यांशु रोटी बना रही है गोल गोल, देख सकते हो। चलो बहुत अच्छी रोटी बनाई है दिव्यांशु ने। अरे अरे कच्ची मत, अरे कच्ची मत खिला। देख लो दोस्तों दिव्यांशु कैसे कर रही है, हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। देख लो दिव्यांशु की मम्मी बता रही है, चेक कर ली बनी, उतार लो। अब अरिजीत तो भाई आए ना आएंगे, चलो ठीक है बाद में डाल दिया ऊपर से काट के धनिया दोस्त। और दोस्तों हमारे अरिजीत भी आ चुके हैं भाई, सामान सट्टा लेके लाया है। देख लो दोस्तों, धनिया मंगाए साथ में, टमाटर भी लाए हैं। देख लो दिव्यांशु अपनी रोटी सेक रही है, सेक लाई। अरे कढ़ाई से दूर रखो, खे गिर जाएगी उसमें, गंदी हो गई, उधर रखो दूर। देख लो दोस्तों, ये खेमे डाल डाल के सेक रही है रोटी, टमाटर काट देगा मैं खान के लिए। अरे मिर्चियों ले आए तुम तो, मुझको तो जुड़ा बहुत चाहिए टमाटर। नहीं नहीं काटेंगे, नमक डाल के खाएंगे, वो भी तुम भी खा लेना ठीक है। नहीं तबाव में रख दो, तुम्हारे पाँव गिरिए, पाँव कटिए, रख दो। अरे दोस्तों देख लो, ये तवा उठा लाई है रोटी बनाने के लिए, चलो चूल्हे पर रख दो। दोस्तों देख लो भाई, इन्होंने धनिया डाल दिया है सब्जी में, आप लोग देख सकते हो। देख लो हरी हरी सब्जी बन गई है, थोड़ा डाल दो ना कम करो। हाँ तो जमा डाल दे, अकरे आलू में डालो, अकरे आलू मिक्स कैसे करे। अच्छा थको दियो बाद में, आराम से आराम से। सो दोस्तों देख लो भाई, हमारा खाना पीना सारा सब कुछ हो गया है, आपको ब्लॉग दिखा दिया। दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। और हमारी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, देख लो दोस्तों दिव्यांशु कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलो क्या कहना चाह रहे हैं। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ये कह रही है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों आज इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अच्छा सा ब्लॉग लेके। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।